इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. चलो, ए बस इज मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड एंड स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड. देखो, ये एक बस जा रही थी, ठीक है. बस, ये जो बस थी वो कुछ ऐसे जा रही थी बस, ठीक है. ऐसे बस होती है. यहाँ से एक स्कूटर वाला था, ठीक है. स्कूटर वाला आ रहा है और उसकी इच्छा है कि इस बस को क्रॉस कर दे, ओवरटेक कर दे. ओवरटेकिंग का मतलब होता है जस्ट, अगर यहाँ से ये कितना डिस्टेंस पर है, 1 किलोमीटर पे है, ठीक है. द बस इज ए डिस्टेंस 1 किलोमीटर. ये 100 मीटर या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इसकी इच्छा हुई कि मैं इस बस को क्रॉस कर दूं, ठीक है. और जब ये क्रॉस कर ओवरटेक कर देगा तो ये ओवरटेक कर दिया 100 सेकंड में. टाइम ले लिया ओवरटेकिंग का 100 सेकंड, समझ रहे हो. और बस मूविंग विद स्पीड, जो बस की स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है. व्हाट इज द स्पीड शुड स्कूटरिस्ट की कितनी स्पीड होनी चाहिए. अब देखो, जब ये बस आगे जा रहा है, ये एक रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है. तो इनके बीच का जो ये जो सेपरेशन है वो रिलेटिवली, जब ये दोनों ऐसे आगे जाएंगे तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो एक रिलेटिवली चेंज हो रहा है, पोजीशन रिलेटिवली चेंज हो रहा है. तो जो वेलोसिटी है वो एक्चुअली रिलेटिव आएगा, ठीक है. तो रिलेटिव वेलोसिटी, तो ऐसे क्रॉसिंग में ब्रिज वाला बहुत सारा रेगुलर कोर्स में मैं बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे करवाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा दिक्कत आता है बच्चों को. इसको आप 1D से भी कर सकते हैं, रिलेटिव से भी कर सकते हैं. एग्जाम में रिलेटिव से ही करोगे क्योंकि वो टाइम बचाएगा, ठीक है ना. तो चलो, तो अब मैं इसको अगर रिलेटिव से करता हूँ तो रिलेटिव जो सेपरेशन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि कहीं पे एक्सलेशन, सभी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो एक्सलेशन जीरो है. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड और मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ठीक है. लेकिन स्पीड डिस्टेंस 1000 किलोमीटर और स्पीड यहाँ रिलेटिव आ जाएगा. तो रिलेटिव स्पीड जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड क्या होता है, v1 माइनस v2. दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ये आ जाएगा v1 माइनस v2. इसका मतलब ये हुआ, हाँ, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर v1 माइनस v2. तो v1 माइनस v2 इसका मतलब ये हुआ कि 10 माइनस b स्कूटर और टाइम लग गया 100 सेकेंड, ठीक है. 100 सेकेंड ये वाली चीज, इसका मतलब ये हुआ, समझ रहे हो. यहाँ से आप भी निकाल लो, तो बेसिकली यहाँ से जब भी निकालोगे, ठीक है, तो देखो कितना होता है. तो ये जीरो ने जीरो को काट दिया तो यह आ जाएगा 10 = 10 और माइनस भी, ठीक है. तो एक्चुअली इसमें मैग्नीट्यूड उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तब वो ए मॉड लेना पड़ेगा हमें, ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 10 और ये भी माइनस 10 हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो भी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. उस हिसाब से तो जीरो आ जाएगा, तो उस हिसाब से ये हमें ज़ीरो आ जाएगा. तो यहाँ भी माइनस 10 करना पड़ेगा हमें, भी माइनस 10 करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. ये वाली चीज़, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी जाके वो एक्चुअली ओवरटेक कर पाएगा यार, ठीक है. क्योंकि ये डिस्टेंस, अगर ये 10 से जा रहा है, ये भी 10 से जाएगा, तो ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा. अगर ये इसकी स्पीड इससे ज़्यादा हो गई तो ये कभी ओवरटेक कर ही नहीं पाएगा, ठीक है भाई. ये 10 से ये 5 से जा रहा है, 10 से जा रहा है, तो ये हमेशा पीछे होता जाएगा पर सेकेंड, ठीक है. अगर ये हाई स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तभी इसको ओवरटेक कर पाएगा. इसलिए यहाँ भी माइनस 10 होगा, ठीक है. चलो, ए पार्टी